ding-a-lick-a-lick-a-ding-a-ding-a-lick-a-lick-a-ding-a-ding. मम्मी तेरी नहीं है, मेरी मम्मी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, नवमी, और ये है मेरा नवमी लुक। तो मैं कैसे लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस हम कन्या सबका आने का वेट कर रहे हैं, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो सारी कन्या इधर उधर है, उनको ढूंढ ढूंढ के लेके आना होगा। तो जल्दी से वो आ जाए तो फिर हम कन्या खिलाना स्टार्ट करेंगे। तो कन्या खिलाने से पहले पापा कर रहे हैं आरती। सारी कन्या आ चुकी है, बटुक आ चुके हैं, बस अब हमें इन्हें खिलाना बाकी रह रहा है। कन्या पूजन के लिए पापा ने बनाया था खीर, और इनकी खीर बहुत टेस्टी होती है। ये आलू चना की सब्जी, ये है हलवा, और ये है चना और पूरी। कन्या सबके लिए मम्मी मेरी गरम गरम पूरियाँ छान रही हैं, कह रही गरम गरम ही सबको परोसूंगी, खाएंगे भी मज़े से। और गरम गरम पूरियाँ तलने के बाद हमने सभी को उनकी प्लेट्स लगा के दे दी, और सारे बस अब स्टार्ट करेंगे खाना। चाची सबको एक एक करके दे रही हैं। और अब मैं यहाँ पे सबको एक एक फ्रूटी दे रही हूँ। मैंने सभी बच्चों के लिए एंड में एक देने के लिए फ्रूटी लेके आई थी, वही अभी सबको दे रही हूँ। और ये तीन बच्चे एंड में आए थे तो हमने इनको रूम में बिठा दिया था, क्योंकि हॉल में जगह बिल्कुल भी नहीं बची थी, वहाँ पे बहुत बच्चे थे वैसे ही। सभी बच्चों को जाने वक्त मम्मी और मैंने पैसे दिए, और सबके एक एक करके कन्या लोगों के पैर छुए हुए। तो कन्या हमने खिला लिया है, और अब मैं जा रही हूँ सारा प्रसाद पैक करके मेरे पति देव को प्रसाद खिलाने। वो कह रहे थे कि शादी से पहले तो तुम भाग भाग के लेके आ जाती थी मेरे लिए प्रसाद, अभी शादी हो गई तो तुम मेरे लिए लेके नहीं आओगी। तो बस इस टॉन्ट से बचने के लिए, और वैसे भी उनके लिए मुझे प्रसाद लेके जाना ही था, तो मैं जा रही हूँ प्रसाद सारा पैक करके उनके लिए लेके उन्हें खिलाने। तो हम प्रसाद लेके निकल चुके हैं उनके पास। मेरा जाना तो पता है, इसका जाना नहीं पता, ये सरप्राइज है उधर, है ना। वैसे तो मैं इसको लेके जाना बिल्कुल चाहती नहीं थी, पर ले जा रही हूँ। इसने इतना जिद किया मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं बोलती भाई ये वीडियो में, बहुत शरीफ बनती है, इतनी शरीफ है नहीं है। और अब फास्ट खुल चुका है तो और कितने टेस्टी लग रहे देखने में, आप देख ही सकते हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूं नोएडा, और मैं वेट कर रही हूं कि मेरे पति देव जल्दी से आए और मुझे घर लेके जाए। हमेशा मुझे वेट कराते हैं, हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पे आ जाए। ये लड़की अपने जीजू का वेट करते हुए, उन्होंने बोला है 2 मिनट वेट करो, 5 मिनट में आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? 10 से 15 मिनट वेट कराने की आदत कभी नहीं जाने वाली है इनकी। वैसे तो लड़कियां वेट करवाती हैं, बट यहाँ शादी से पहले से लेके अभी तक सिर्फ मैं ही वेट कर रही हूँ। मेरे को लगता है मैं लड़का हूँ, वो लड़की है। कैसा लगा सरप्राइज? अनुष्का को लेके आई मैं अपने साथ, बताया सरप्राइज तो अच्छा था, बट अब अनु को यहाँ से जाएगी नहीं, मैं उसको लेके घर चला जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर यू, ये सरप्राइज आपके लिए। नहीं, मेरी बहन मेरे साथ वापस जाएगी, वो तो आज 2 दिन इन्होंने ट्रेन की टिकट कराई थी, दोनों दिन की कैंसिल हो गई, आज थर्ड डे है, आज तो फाइनली जा ही रहे हैं, आज की टिकट कंफर्म हो गई है।
टिकट तो कंफर्म है। हाँ, आज जा रहे हैं फाइनली। मुझे लगता है ना कि आपके नसीब में आज नवमी का प्रसाद था मेरे हाथों से खाना। एग्जैक्टली, लास्ट ईयर भी हम लोग खाए थे याद है? हाँ, ओखला बर्ड सेंचुरी में जाके, बस याद है मुझे, मैं लेके आई थी दोनों नवरात्रि में लेके आई थी। हाँ, पापा के हाथ का खीर पापा ने भेजा है, मस्त मस्त बना के। चलो फिर खाते हैं अभी। थैंक यू मेरे लिए खाना लेके आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम बेबी। आई क्या बोलूं, देखो लेके जा रहे हैं ये। देखा अचानक से इसकी तरफ कैमरा किया तो इसका, इसने कैसे बात करी, वरना तो ये इतनी शरीफ बनती है कैमरे में। ऐसे अभी कैसे बोला, हाँ बोल बे, अब तू देख पापा को पता चलेगा तुम उससे कैसे बात करती है। हाय। है नहीं शरीफ ये बिल्कुल भी। कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी यार, सबसे लाजवाब तो खीर बनाऊंगा। पापा ने बनाया था, पापा ने 2 घंटे में बनाया था उन्होंने। एकदम मक्खन जैसा लग रहा था वैसे तो, फिर मैंने कहीं नहीं खाया। चलो पापा खुश हो जाएंगे सुन के। सच्ची हो यार, इट्स टू गुड। वैसे सच्ची बात है, आज सबने तारीफ करी थी खीर की कि बहुत टेस्टी खीर बनाया पापा ने। अलग ही तरीके से बनाते हैं पापा और बहुत टाइम भी लेते हैं उसे बनाने में। तो अच्छा हुआ कि पापा ने अपनी बेटी मुझे दे दिया ताकि मुझे खीर खाने का मौका मिला। बेटी को सिखा के नहीं भेजा, पर उनको बहाना चाहिए ना दामाद को बुलाने का। एग्जैक्टली, पापा तो अच्छा गेम खेल लेते हैं। समझ रहा हूँ, चेस प्लेयर है ना तो मेरे प्ले वेल। अभी पापा सब सुनेंगे ना तब पता चले। हाँ पापा को यस, ऐसी कुछ बात ही नहीं है, तुम तो मजाक कर रहे थे। नहीं अब तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा लगा, अब पापा बताएंगे। पापा क्या बताएंगे, हम मजाक कर रहे थे, कैसा लगा मेरा मजाक। और लास्ट टाइम मिलने के बाद और प्रसाद देने के बाद हम तीनों निकल चुके हैं अब घर जाने के लिए। मेट्रो स्टेशन में अभी तो हम मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं। नहीं इधर 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 डांस कर, डांस कर। अच्छा ये कौन सा स्टेप है बाबू? हो गया, आ जाओ। हेलो हेलो तो बोल इसमें। नहीं बोलेगी यार ये, बहुत इसका ना ड्रामे हो गए। अब मेरे पति देव को गांव जाने के लिए छोड़ के आके मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और घर आने के बाद मुझे मिली है ये ड्रामा क्वीन। हाय बोल दो। वाओ मेरे बीटू, ओ चोट लग गया, लाओ फूक दो, लाओ दो। अब प्यारी कर रहे बोलो हाय, क्या कर रही है? तोड़ेगी, तोड़ देगी मेरे कपड़े, खींच गए, देख 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 ये बना दिया। क्यों कर रही हो, खींच रही हो मेरे कपड़े? क्या दम लगा रही है मम्मी? देखियो पता नहीं कौन सा दम। मम्मी तेरी नहीं है, मेरी मम्मी है। मम्मी देख 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 कितना दम लगा रही है ये। क्यों दम लगा रही है, फाड़ रहा है कपड़ा। क्या कर रही है? चलो बोलो हाय। क्यों पता नहीं क्या कर रही है, इसके अपने अलग ड्रामे हैं। नवरात्रों का फास्ट खत्म होने के बाद बस फास्ट फूड ही खा रही हूँ मैं। फास्ट खत्म होते ओनली फास्ट फूड। बेटू अच्छा लग रहा है पास्ता मैक्रोनी? और यहाँ मेरी बहन मम्मी के साथ प्रैंक कर रही है कि वो अपना फ़ोन गौर सिटी में ही भूल कर आ गई है मेरे घर पे डराने के लिए। मैं क्या करूँ, अबे मैं भूल गई यार, इसको याद नहीं, ये आदमी ये भूल बोली, मैंने
तो पर्स में नहीं रख लेती, तो ये इसकी गलती है ना, नहीं तेरी भी गलती है, मेरी कैसे गलती है, मोबाइल ही मैंने इसी के हाथ में दिया था मम्मी, मेरे हाथ में नहीं था, तो पर्स में तो रख लेती तू कम से कम। हमारी मम्मी बहुत चिल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।